अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बूंदी का रायता। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, चटपटा खट्टा मीठा बूंदी का रायता बनकर तैयार होगा। ठंडा ठंडा बूंदी का रायता ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए रायता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लेनी है 1 कटोरी बूंदी। तो यहाँ पर हमने पुदीने वाली बूंदी ली है और इसी के साथ हम बूंदी को भिगो कर रखेंगे 10 मिनट के लिए, जिससे बूंदी जो है अच्छे तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। और इतने हमारी बूंदी भिगो कर रख दी है, इसी के साथ हम यहाँ पर दही भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम दही ली है गाढ़ी वाली। तो दही को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है, जिससे दही में जो है बिल्कुल भी लम्स ना रहे और दही जो हमारी क्रीमी बनकर तैयार हो जाएगी। ज़्यादा फेंटेंगे तो हम, क्योंकि रायता हमारा क्रीमी बनकर तैयार होना है, तो इसलिए हम दही को जितना अच्छे से बीट कर लेंगे उतना ही अच्छा हमारा रायता बनकर तैयार होगा। तो दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दही में, जिससे पानी और दही बिल्कुल भी अलग ना रहे। तो यहाँ पर बूंदी को भी हमारे 10 मिनट हो गए थे भीगे हुए। तो दही बूंदी को हमने अच्छी तरह से छान लिया था, पानी से निकाल लिया था। तो अब दही में बूंदी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले मसालों में हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, यानी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। और इसी के साथ 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे हम भुना हुआ जीरा। तो यहाँ पर हमने कुटा हुआ भुना जीरा का पाउडर ऐड किया है। और इसी के साथ यहाँ पर ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, यानी काला नमक। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है काला नमक से, ज़रूर ऐड कीजिएगा काला नमक। और 1 चुटकी के करीब हम यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्च। तो यहाँ पर लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे 1 चुटकी। और इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे वाइट सॉल्ट, यानी सफ़ेद नमक। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना। और यहाँ पर हम कुछ पत्तियाँ हमने हरा धनिया की काट कर रख ली है, तो हरा धनिया की पत्तियाँ ऐड कर देंगे। और सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे रायते में, जिससे सारे मसाले जो है दही और बूंदी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छी तरह से चला देना है इसको। तो यहाँ पर जो है सारे मसाले जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं रायते में। और देखिए कितना खूबसूरत और मज़ेदार हमारा रायता बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अच्छी तरह से मिला देंगे सारे मसाले, तो इसमें हमारे सारे मसाले मिलकर तैयार हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसका एक तड़का तैयार करेंगे। तड़का हमें ज़्यादा ऑयल का नहीं लगाना, सिर्फ हमें 1 चम्मच ऑयल का ही इसमें तड़का तैयार करना है। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और इसी के साथ 3 कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर जो है तड़का अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा तड़का अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब हम तड़के को रायते में ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने रायते में तड़का को ऐड कर दिया है और अब इसको हम अच्छी तरह से चला देंगे, जिससे सारा तड़का जो है रायते में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा बूंदी का रायता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार बूंदी का रायता बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और एक बार आप ये चटपटा मज़ेदार मलाई की तरह बनने वाला बूंदी का रायता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा चटपटा मज़ेदार बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ शिव्यू किचन को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बार आप ये बूंदी का रायता बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा चटपटा और लजीज बनकर तैयार हुआ है।